सो अब हम डिस्कस करेंगे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, सीपैक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कितने बेसिकली इन्वेस्टमेंट है उसकी, और ये कब स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली 46 बिलियन डॉलर्स की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, एंड इट वॉज बिगिन इन 2015, और इसकी जो कम्प्लीशन डेट है वो ये है कि ये तकरीबन 2030 तक लाजमन ये तकरीबन हो जाना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, इवन दो देर आर मैनी इश्यूज अब हम लोग देख रहे हैं कि सीपैक जो है वो फेस कर रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो 35 बिलियन डॉलर्स जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है एनर्जी सेक्टर के अंदर, और 18,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है जो कि प्रोड्यूस होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, एनर्जी के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जबकि 9,000 के करीब जो मेगावाट ऑफ एनर्जी है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के सिस्टम में भी ऐड कर दी गई है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसकी जो सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह कोल हो गया, सॉरी जिस तरह से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करना थ्रू सन सोलर से हो गया, बायोगैस हो गया, बायोफ्यूल्स हो गए, ठीक है, विंड से कर लेना, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और जो जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जिस तरह कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके ऊपर ये डिपेंड कम करता है। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जिसको बार बार हम लोग रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इन एनर्जी सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, जिसमें हमारे पास कोल प्रोजेक्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 330 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई है। 3 प्रोजेक्ट कोल के जिसमें अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से हमारे पास है हब का है पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट साहिवाल का पावर प्लांट है, ठीक है, इसी तरह थर कोल पावर प्रोजेक्ट है, 330 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह 660 मेगावाट सुपरनोवा कोल प्रोजेक्ट है थल के अंदर, ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जिस तरह को आज़ाद पतन के अंदर है, पीर महल के अंदर है, कोहाला के अंदर है, सुकी किहारी के अंदर है, और ये सारे जो हैं वो जेहलम के अंदर हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग 883 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम विंड प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू 3,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस तरह झम्पीर विंड प्रोजेक्ट जो है, और ये जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। सोलर प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर एक अभी तक कंप्लीट हो चुका है जो सीपैक के अंदर है, जिसमें कायदे आजम सोलर पावर प्लांट जो है बहावलपुर के अंदर है, 9,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गई है इसके अंदर से, ठीक है, और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन भी हैं, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स मटियारी टू लाहौर, ठीक है, जिससे हमारे पास नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है जो लिंक होगा इससे, ठीक है। तो बेसिकली इससे बेनिफिट्स हमारे पास है कि ये हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ठीक है, मतलब कि 34 पाकिस्तानी रुपीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी 60% वी मेड, ठीक है। अब पहले जो थी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव क्यों थी, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स खरीदते थे, ठीक है, पहले हम लोग खरीदते थे, दूसरा हमें पे करना पड़ता था डॉलर्स के अंदर, ठीक है, और कंडीशंस थी आईएमएफ की, उसी तरह फ्यूल की प्राइसेस को भी इंक्रीज हो जाता था जब हम लोग वापस पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि इंपोर्टेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों को नहीं लेने पड़ेंगे बाहर से, तो इससे क्या होगा, कट इन द इम्पोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब 8 to 12 बिलियन डॉलर वो इम्पोर्ट हाइड्रोकार्बन ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 8 से 12 बिलियन डॉलर्स हम लोग जो है वो लगा देते हैं हाइड्रोकार्बन्स की इंपोर्ट पे, अब हमें वो नहीं लेने पड़ेंगे इससे, ठीक है, और इस तरह हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम हमें इसका ये भी फायदा है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमें दे रहा है, 9,000 मेगावाट की एनर्जी, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और जिस हमने बताया कि विंड के अंदर है, सोलर के अंदर है, सिविल न्यूक्लियर के अंदर है, हमारे पास जियो थर्मल हो गया, कोल के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये हमारे पास क्लीन एनर्जी दे रहा है। पहला बेनिफिट हमें दे दिया रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, क्लीन एनर्जी का दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का दे दिया, कट इन हाइड्रोकार्बन दे दिया। अब इसे कुछ जो है वो इस तरह से है कि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी है। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास इस तरह से जो है वो बन रहा है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग टू बी द लार्जेस्ट विल बिकम ओवरवेलमिंग डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान फॉर ट्रांजिट ट्रेड, ठीक है। अब चाइना जो है वो वन ऑफ द मेजर रूट है ईस्ट चाइना सी से साउथ सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड बियॉन्ड, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनको एक्सेस मिलेगा अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक रीजन जो है, ऑलवेज डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर ट्रांजिट ट्रेड, ठीक है, कार्गोज आएंगी, ठीक है, डिफरेंट जो मोटरवेज रूट्स हैं वो बनेंगे। ईरान जो है आफ्टर चाइना बिगेस्ट बेनिफिशरी वुड बी ईरान, ईरान को बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है, ईरान को जो लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन मार्केट है वो चाइना है, तो इससे फ़ायदा होगा। इसी तरह जो हमारे पास चाइना
और सऊदी अरेबिया का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पे 36,000 जो हमारे पास किलोमीटर था वो अब हमारे पास 11,000 तक चला जाएगा, ठीक है। तो 36 ट्रेवलिंग डेज से अब 11 दिन लगेंगे सऊदीया से चाइना तक जाने के लिए। सो इस तरह से हमें ये इनका फायदा हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अगर बताएं तो हमारे पास डेवलपमेंट हुई है गवादर के अंदर, इसके गवादर के अंदर इस तरह से हमारे पास इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है कि गवादर जो है उसके अंदर बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स भी बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। गवादर जो है वो एक किस्म का हम लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 200 या 150 के करीब हमारे पास पोर्ट्स वो बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इससे हमारे पास ऑब्वियसली गवादर जो है वो एक मेन पॉइंट है जिसके थ्रू अरेबियन सी से लिंक हो गया, डिफरेंट कंट्रीज जो होंगी वो आएंगी, इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को फ़ायदा होगा। इसी तरह हमारे पास इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसके अंदर 4 अभी तक हैं, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो है इलामा इकबाल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, फैसलाबाद के अंदर। फिर राशा काई इकोनॉमिक जोन है केबीके के अंदर, 230 इंडस्ट्रियल थिंग्स इसके अंदर लगाई गई हैं, और इंडस्ट्रीज मार्बल की है, क्रोमाइट की, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड एंड बेवरेजेस की है। तीसरी हमारे पास है गवादर इकोनॉमिक जोन है जिसके अंदर गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ऑटोमोबाइल्स, टोबैको, इसको ऐड किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो हैं वो जो है मेजर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बाकी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 9 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एट द सेम टाइम हमारे पास इसके अंदर है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें फायदा हुआ है मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स का, जिस तरह ड्रिप इरीगेशन सिस्टम चाइना ने हमें दिया है, स्प्रिंकल्स का दिया है, ठीक है, फ्लड की इरीगेशन टेक्निक्स दी हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन दी हैं। इसी तरह चाइना ने हमें पीएचडी स्कॉलरशिप दी है इन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग बेहतर कर सकें अपनी रिसर्च जो है एनालिसिस। बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, बिगेस्ट वन इज इन हवेलिया, ठीक है, हवेलिया के अंदर कोल्ड स्टोरेज जो है वो बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, 18% हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है GDP को वो हमारे पास एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। इस तरह जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएंगी अगर हम लोग इसके अंदर होगा। इसी तरह हमारे पास एग्रीकल्चर जो है हमारे पास डिक्लाइन हो रहा है डिफरेंट इशूज़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से, ठीक है, तो वो हमारे पास ये इशूज़ थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहे हैं। अब मोर इन्वेस्टमेंट जो है इनकी नेवी के अंदर भी हुई है, ठीक है। नेवी के अंदर इस तरह से हुई है कि हमारे पास उन्होंने ऐड किए 9 वॉरशिप्स, ठीक है, 8 सबमरीन्स दी हैं, पेट्रोलिंग शिप्स एंड बोट्स दी हैं, 500 नेवल फोर्सेस डिप्लॉय की हैं, और सी किंग हेलीकॉप्टर भी दिया है हमें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने नेवी के अंदर भी दिया, और ये एक किस्म का हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, और ये सब कुछ हमें चाइना ने दिया। अब ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि हमारे पास ये फ़ायदे हैं सारे ट्रांसपोर्ट के अंदर, कितना उन्होंने फ़ायदा दिया हमें, ठीक है। हमारे पास डेवलपमेंट हुई है गवादर के अंदर, उन्होंने 150 ड्राई पोर्ट्स बनाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिए हैं, हमारे पास कट हुआ है हाइड्रोकार्बन का, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब हमारे पास चाइना सी पैक के अंदर हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। इसके थ्रेट्स भी बहुत सारे हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे पहला थ्रेट हमें इंडिया का फैक्टर है। अब हमारे पास इंडिया का फैक्टर ये है कि इंडिया जो है वो बहुत सारी US के अलायंस के साथ है, जिस तरह क्वाड बना, क्वाड्रिलेटर जो डायलॉग था उसके अंदर वो ऐड है, ताकि वो कर्टेल कर सके चाइना को, और इसके पीछे USA है। वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास मिलिटेंसी रिवाइव हुई है, BLA मजीद ब्रिगेड जो है, और BLF जो है वो, उसके बाद TTP है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और ISKP खुरासान जो चैप्टर है, दासू अटैक जो हुआ है अभी रिसेंटली, और थ्रेट टू चाइनीज सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज इंजीनियर्स वर्कर्स एट दासू डैम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कन्फ्यूशियस जो हेड वॉज टारगेटेड कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इंक्रीज हो रहा है कराची के जो हमारे पास जिस तरह चाइनीज हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर हुआ है। और इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि थ्रेट है ये नॉट ओनली चाइनीज बट चाइनीज की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के ऊपर भी और प्रोजेक्ट के ऊपर भी, जिस तरह गवादर के ऊपर हमारे पास एक है, ये एक थ्रेट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव ये इन सब थ्रेट्स का कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ठीक है, एंड फेल किया जाए सी पैक को। इंडिया इज एट द बैक फैक्टर कुलभूषण जादेव भी हम कह सकते हैं, जिस तरह हमारे पास एक फैक्टर है कुलभूषण जादेव का, जिस तरह उनको स्पाई एजेंट था, इस तरह इंडिया चाहता है कि हम ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसे हम इकोनॉमिकली फ्लरिश ना करें, ठीक है, तो इंडिया फैक्टर है। और इन सब के पीछे US भी है, ठीक है, US वॉन्ट टू कर्टेल चाइना बाई यूजिंग इंडिया, इंडिया को इस्तेमाल करते हुए वो चाइना को जो है वो कर्टेल करना चाहता है। एज यू नो कि चाइना जो है वो अब इमर्जिंग सुपर पावर है, इसके पीछे USA क्यों कर्टेल करना चाहता है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत सारे स्ट्रीट ट्रेड्स के थ्रू थ्री रूट्स को यूज करते हुए ट्रेड कर रहा है, जिस तरह हमारे पास USA इस्तेमाल कर रहा है ब्लू पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज को इस्तेमाल कर रहा है, ताकि चाइना को यहाँ से ट्रेड ना करने दिया जाए, और चाइना का जो एक सुपीरियॉरिटी और डोमिनेंस है साउथ चाइना सी के अंदर वो वहां से भी USA जो है वो चाहता है कि खत्म की जाए चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वहां पर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ थ्रेट्स हैं जो सी पैक के अंदर पाकिस्तान को भी फेस करने पड़े, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ऑल दो इट इज शॉर्ट बट इट विल हेल्प यू टू एड इट इन योर यू नो पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशन से कैसे ये हमारे पास हेल्प करें, ठीक है।
लेट्स मूव टूवर्ड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव B3W। ठीक है, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कितने डॉलर्स के, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है। 1 to 8 trillion dollars की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, और ये अब इसका ये प्रोजेक्ट है कि तकरीबन 2070 तक इसको कंप्लीट किया जाए। अब सिल्क रोड प्रोजेक्ट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और चाहे वो हमारे पास जॉइंट मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, एशिया, अफ्रीका हो, मिडल कह सकते हैं हम लोग के ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज हैं बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग बताएं तो इन्होंने ऐड किया, बोर्ड हमने बता दिया मैंने ऑलरेडी, डेवलप और अंडर डेवलप दोनों कंट्रीज को ऐड किया। इसके अंदर इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर नॉन हाइड्रोकार्बन मतलब एनर्जी सेक्टर के अंदर है। ठीक है, और BRI जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली इन्वेस्ट कर रहा है इन हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस इन द कैस्पियन रीजन के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नॉन हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स ना विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिस तरह CPAC के अंदर है। ठीक है, और ये चाहता है कि 50% हमारी रिलायबिलिटी जो है वो लेस हो जाए हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह BRI जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 150 से लेकर 200 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि BRI के अंदर इस तरह से, सॉरी B3W के अंदर इस तरह से नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग डिस्कस करें B3W उसके साइड बाय साइड, तो हमारे पास ये पता चलता है कि जो BRI है वो रिलोकेट करता है इंडस्ट्रीज अपने नेबर्स के अंदर ताकि हमारे जो नेबर्स हैं वो बेहतर होंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास इकोनॉमिकली भी और रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी, जबकि B3W उसके बरक्स है, ये करना चाहता है काउंटर BRI को कि BRI जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर ना आए। ठीक है, और इसकी जो रिटेंशन है और एक्सपेंशन है वो सिर्फ यही है कि USA जो है वो आगे आगे बढ़े। ये G7 कंट्रीज का प्रोजेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सब इसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि वहां पर सिल्क रोड जो है जो सबसे बड़ी अभी तक का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है वो है, इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसी तरह इनका जो फोकस है वो वही है काउंटर करना BRI को, ऑप्शन है जिस तरह इकोनॉमिकली बेहतर करना, एलिवेट करना प्रोग्राम्स, पॉवर्टी को खत्म करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो BRI है वो एक न्यू अप्रोच के साथ आया है एनर्जी सेक्टर के बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, जबकि जो B3W है वो अपनी पुरानी अप्रोच को लेकर चल रहा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट उन्होंने मिलीनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए, SDGs दिए, वही चीज़ों को ये लेकर चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इट मीन्स दैट B3W जो है वो फोकस और फॉलो कर रहा है ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ वेस्ट दैट इज प्रोवाइडिंग फिश, वाइल चाइना हैज द पॉलिसी ऑफ टीचिंग द आर्ट ऑफ फिश। तो बेसिकली चाइना के पास ये पॉलिसी के वो कुछ नया लेकर आया है। सो ये दोनों के दरमियान में कंपैरिजन है। रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता चलता है कि इनके दरमियान में ट्राइलेटरल टाइज भी हुई हैं पाकिस्तान, चाइना और रशिया के दरमियान में, जिसकी वजह से रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो बेहतर हुए और ट्रेड स्टार्ट हुआ है। जिस तरह हमारे पास अभी रिसेंट भी हुआ है कि तकरीबन 30% और 60% हमारी जो परसुएंस है हम लोग ऑयल की जो ले रहे हैं रशिया से। इसी तरह ईरान और KSA का जो इशू है रिजॉल्व हुआ है जिससे पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी भी स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज और आपस में लड़ रही थी। मार्च 2023 के अंदर चाइना ने कोशिश की है कि ये डील को ब्रोक करे। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में ट्रेड्स वगैरह को और इकोनॉमिक जो है और डेवलपमेंट जो है वो उसको बेहतर करे। ठीक है, ताइवान की क्राइसिस वर्सेस कश्मीर इशू जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कश्मीर ताइवान जो है उसके अंदर इंटरेस्ट लिया है US ने। कश्मीर के इशू के अंदर भी हमारे पास RSS जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, उसके खिलाफ भी चाइना ने आवाज़ उठाई है पाकिस्तान के लिए। एंड रिसेंट SCO मीटिंग जो हुई है 4 to 5 May जो के दरमियान में 2023 में, उसके अंदर भी हमारे पास डेवलपमेंट हुई है कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको बेहतर किया जाए। ठीक है, और ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स थी जो कि हेल्प कर रही हैं हमारे पास, ये शो भी कर रही हैं कि हमारे पास कैसा हम लोग बेहतर तरीके से अपने जो जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे पास पाकिस्तान के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इससे हमारे पास हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी जो रीजनल से वो बेहतर होगी। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास ईरान और KSA की डील है इससे क्या होगा कि हमारे पास ग्लोबल चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिससे ना सिर्फ ईरान और KSA को फ़ायदा होगा पाकिस्तान को भी इक्वल ही फ़ायदा होगा। और क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों अगर आपस में लड़ना झगड़ना खत्म कर देंगे तो इस्लामोफोबिया, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और इस तरह डेवलपमेंट का जो एक नया दौर है वो शुरू होगा। ताइवान का इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि उनके पास क्यों इनके इंटरेस्ट हैं। SCO की मीटिंग में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि कैसे रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉपरेशन जो है वो चलाई जा सकती है। इस तरह से ये रीसेंट डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को मजीद स्ट्रेंथन कर रही है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कर रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, और अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो जरूर अपने कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो ऐड करूंगी, आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच।